जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम की जो एमसीक्यू जारी किया गया था, मतलब जो लेक्चर स्टार्ट किया गया था, और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम जो होने वाला है उसके फार्मास्यूटिक्स किसके बारे में। ठीक है, यहाँ से क्या दिया जाए, फार्मास्यूटिक्स का जो आपका यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका हम क्या करेंगे लेक्चर में क्या लिखेंगे, एमसीक्यू को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें जो एमसीक्यू लिया जाएगा लगभग लगभग 30 से लेकर 32 एमसीक्यू लिया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमें इसके सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए था, थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा देना चाहिए था, बट थ्योरी ही जल्द आपको क्या कर दिया जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी हर एक मतलब एग्जिट एग्जाम के पूरे सिलेबस का जो पॉइंट वाइज है, क्या हो गया पॉइंट टू पॉइंट वाइज में जिससे एमसीक्यू आपका एज इट इज मिल जाएगा उसी को हम इसमें कंसीडर करेंगे। उस सारे पॉइंट को मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं यानी एग्जिट एग्जाम में सबको पॉइंट वाइज पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, जल्द ही आपको क्या कर जाएगा पूरा नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी फार्माकोपिया वगैरह जो नहीं होती है, बहुत ही इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करने इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कवरअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले सामने आपका दे रखा है, यहां से देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं आता तो आपका भाई है आपको एजिटीज करा देगा। लिखा देवनागरी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंदन फार्माकोपिया यानी एलपी जो दिया गया था इन हिंदी और बंगाली वाज मेडअप अवेलेबल इन इंडिया इन ईयर, मतलब कह दिया है हिंदी तथा बंगला यानी बंगाली में जो लंदन फार्माकोपिया देवनागरी प्रतिलिपि भारत में, ठीक है, किस वर्ष उपलब्ध कराई गई थी, मतलब जो आपकी लंदन की फार्माकोपिया थी अपने इंडिया में जब आई थी वो हिंदी और बंगाली में थी, वो किस ईयर अपने यहाँ उपलब्ध कराई गई थी। पहला ऑप्शन 1863 यानी 1843 या 1869 या 1878 में, तो ये बताइए। देखा जाए तो अपने यहाँ आया था 1843 में, कब 1843 में, तो 1843 कहीं दिया मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, तो यानी पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में लिख रखा द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन, मतलब अपने यहाँ जो पीसीआई थी क्या हो गई, पीसीआई कब स्टेबलाइज की गई थी, कब स्टेबलाइज की गई थी। अब ये तो आप जब लाइन इथिक्स पढ़ रहे हो तो इसे ये तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, 1942 में, 1926 में, 1949 में, 1956 में, कब की गई थी, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट बाद किया गया था, तो यानी किस पे मार देंगे 1949 पे आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट में लिखा है पंजाब एक्साइज एक्ट, ठीक है, एक्ट वाज स्टेबलाइज, मतलब क्या होगा पंजाब उत्पादन, ठीक है, उत्पाद जो भी किया जा रहा था अधिनियम स्थापित किया गया था कब, 1914 में किया गया था या 1956 में किया गया था, 1965 में किया गया था, 1921 में किया गया था, ये कब किया गया था, ये पंजाब एक्साइज एक्ट देखा जाए तो कब किया गया था, 1914 के अंतर्गत ये ला दिया गया था, तो 1914 पे क्या कर देंगे आपको टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान से सुनिए, कह रखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिसे हम NIPER बोलते हैं, ये कब स्टेबलाइज की गई थी, ठीक है, स्टेबलाइज एट, अब कब नहीं, कब मतलब कहाँ स्टेबलाइज की गई, एट लिखा हुआ तो ये कहाँ स्टेबलाइज की गई थी, पहला दिल्ली में या तुम्हारे पास की गई थी या तुम्हारे पास वेस्ट बंगाल में की गई थी या मुंबई में की गई थी या मोहाली में की गई थी, ये कहाँ की गई थी, ये की गई थी मोहाली में, कहाँ की गई थी मोहाली, तो मोहाली इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से देख रखा है, देखिए हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों जिसमें आपको समझ में आता है उस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, लिख रखा है नेक्स्ट में, लिख रखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वाज स्टेबलाइज, अब लाइन फार्मेसी इथिक्स में आप ये जरूर पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपको जो सेकेंड ईयर में आप एग्जाम दिए जो 2023 में ये भी सेम टू सेम पूछा गया था, ड्रग्स एंड ठीक कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वाज स्टेबलाइज कब स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है, 1946 में, 1949 में, 1945 में, 1956 में, कब किया गया था बोलिए, भन्न भन्न बोलिए किस में किया गया था, आप देखे होंगे यानी फार्मेसी में जब फार्मेसी लाइन इथिक्स में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1900 किया गया था, 1945 में किया गया था, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है।
नेक्स्ट छठा दे रखा है द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज परफॉर्म इन, मतलब ड्रग्स कंट्रोल मतलब क्या कर दे, एक देखिए एक तुम्हारे पास फॉर्म भरा गया था ठीक, उसमें ऑर्डर दिया गया कि ड्रग्स की प्राइस को आपको क्या कर सकते हैं कंट्रोल करना, ना तो घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं, एक घटाने की बात की जा सकती है क्योंकि उसमें पुअर जो कंट्री है या पुअर पीपल हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा आराम से दवा प्रोवाइड करा दी जाएगी ठीक। उसमें क्या करेंगे लिखा गया ड्रग्स यानी प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का फॉर्म किया गया था 1968 में किया गया था या 1988 में किया गया था, 1963 में किया गया था, 1995 में किया गया था, तो ये देखा जाए कब किया गया था 1995 में किया गया था, कब 1995 में ये किया गया था, तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ठीक। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सेवंथ नंबर, अब ये प्लीज आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसे लिख के दिखाइएगा। सुटेक्स में ये आप फार्माकोपिया पढ़े होंगे ना, तो उसमें बताया गया फर्स्ट एडिशन कब आया था, सेकंड एडिशन कब आया था, तो ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश, यानी पब्लिश कब की गई थी, 1955 में की गई थी, 1962 में, 1986 में, 1965 में। प्लीज आप ऐसे क्या करिएगा सेवंथ नंबर और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए उसका सन कौन सा सन है इसमें से, उस पर कमेंट बॉक्स में प्लीज इसे आप लिख के दिखाइएगा ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एट्थ नंबर लिखा फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसे यूएसपी के नाम से जाना जाता है ठीक है, वाज रिलीज ऑन, वो रिलीज कब किया गया था, यानी 15 सितंबर 1850, 15 दिसंबर 1820, यानी 15 जुलाई 1826, 15 सितंबर 1886 में, वो कब की गई थी ये आपको बता देना है, बताइए कब की गई थी। यदि देखा जाए तो यानी हमारे पास की गई थी यानी 1820 में की गई थी, कब 1820 में की गई थी, मतलब इससे 1820 इससे भी गेस करिए, यदि नहीं याद है तो 1820 में की गई थी, इसमें 20 नहीं है तो क्या हो जाएगा जाहिर सी बात 15 दिसंबर 1820 में की गई थी ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। उसके बाद 19 यानी 9 नंबर क्या कह रखा है, 9 नंबर कह दिया है द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सेसिव ड्यूटी एक्ट वाज पास की गई थी, मतलब क्या जो भी मेडिसिन है और जो भी तुम्हारे पास क्या होगा टॉयलेट प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उसे प्रिपरेशन कब की, मतलब वो एक्ट कब पास किया गया था, इसको आपको बता देना है। इसमें पहला दे रखा है यानी 1969 में, 1965 में, 1952 में, 1955 में ठीक। तो ये कब की गई थी, ये कब की गई थी यानी मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन देखा जाएगा तो यानी 1955 में की गई थी, कब 1955 में की गई थी, तो 1955 हमने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन लगा दिया। 10 यानी 11 नंबर बचा क्वेश्चन, इसे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। लिखा है फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन इंडिया। अब देखिए आपको क्या कर देना है फर्स्ट एडिशन आपको हम बताते चलते हैं ठीक है, फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन कब किया गया था इसके बारे में ठीक है। देखिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं ध्यान से सुनिए, इसमें देखिए क्या होगा टोटल 8 एडिशन था फर्स्ट एडिशन ठीक है, ये सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स एडिशन और हमारे पास सेवन्थ एडिशन, और हम क्या कर देते हैं एट्थ एडिशन कर देते हैं, नौवां एडिशन भी आ चुका है ठीक है आ चुका है। तो देखिए ये कब की गई थी यानी 1955 में की गई थी, कब 1955 में, और ये देखा जाए उसके 10 साल बाद यानी 1966 में की गई थी, और ये देखा जाए तो क्या कही थी 1985 में की गई थी, और ये देखा जाए तो 1996 में की गई थी ठीक। और पाँचवा नंबर देखा जाए तो की कब की गई थी, पाँचवा नंबर देखा जाए तो ये की गई थी 2007 में की गई थी 2007 में, और छठा नंबर बुक में देखा जाए तो कितना लिखा रहता है 2010 लिखा रहता है ठीक है 10 लिखा रहता है, और यदि सातवां नंबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना 2014 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2018 हो जाएगा, और नवा एडिशन भी आ गया है। बुक उक में ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि बुक उक में क्या कह देते थोड़ा सा रॉन्ग लिखा रहता है ठीक है। तो ये एडिशन हो गया, तो इसमें से फिफ्थ एडिशन कब आया था इसके बारे में आपको बता देना है, फिफ्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी कब इसके बारे में आपको बता देना फिफ्थ एडिशन। अब 2005 में, 2007 में, 2000 में, 2001 में, अभी बोले 2007 में, तो 2007 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या लिख रखा आईपीसी स्टैंडर्ड फॉर, मतलब आईपीसी का फुल नेम क्या होता है इसको आपको बता देना है। तो आईपीसी का पहला दे रखा इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिलिंग होती है, या तुम्हारे पास बोल दिया है
या कह दिया इंडियन फार्माकोपिया कमेटी होती है, या देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन होता है, ठीक है, या तुम्हारे पास क्या देखा इंडियन फार्माकोपिया यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसमें क्वेश्चन को ऐड किया, और भी बहुत क्वेश्चन है जो तगड़ा तगड़ा, उसे भी हम क्या कर देते हैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसमें ये नंबर दे रखा है, कर रखा फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन विच इज डायरेक्शन इज बुक इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या कह रखा है, यदि देखा जाए तो कोई भी ड्रग्स हमें मेडिसिन यानी ड्रग्स या मेडिसिन प्रिपेयर करना है तो उसके डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या होनी एक बुक होनी जरूरी है। उस बुक को हम क्या कहते हैं, ठीक है, यदि देखो उस बुक को क्या कहते हैं बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, या फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया, उस बुक का नाम तुम्हारे पास क्या होगा फार्माकोपिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपको बताएं, प्लीज आप 21 नंबर का क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में सन का नाम लिख के दिखाइए, यानी लिखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया था 1950 में, 1946 में, 1940 में या 1960 में किया गया था, कब किया गया था इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। आपको दो क्वेश्चन आपको मिल गया यहां से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, यहां से देख लेते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लिख रखा है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज द यानी कॉन्स्टिट्यूट इन डैश दे रखा फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी, मतलब क्या देखा इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के अनुसार देखा जाए तो आईपी जो कब पब्लिश की गई थी, कब पब्लिश की गई थी इसे आपको बता देना, यानी कब पब्लिश की गई थी, यानी देखो पब्लिश की गई थी 1948 में, तो लिखा 1948, 1950, 1955, 1960, तो 1948 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश इन ईयर 1966 में एंड इट ऑफ द सस्मेंट कम इन, मतलब उसका जो सप्लीमेंट था, ठीक है, सप्लीमेंट था वो कब आया हुआ था, तो इसमें पहला ऑप्शन तुम्हारे पास वो कब आया था वो देखा जाए तो 1975 में उसकी सप्लीमेंट्री आ गई थी 1975 में, कहीं ऑप्शन दिया है 1955, 1970, 1960 और 1975, तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। फिर दे रखा डैश दे रखा एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन ईयर 1985 एंड अबेंडेंट कम इन, ठीक, कम इन 1989 एंड तुम्हारे पास 1991, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी यानी इंडियन फार्माकोपिया है जिसे पब्लिश किया गया था 1985 में, उसमें अबेंडेंट किया गया था 1989 और 1991 में अबेंडेंट किया गया था, ठीक है, तो उसमें से कौन सी इंडियन यानी कौन सा एडिशन है इसके बारे में आपको बता देना। तो देखिए आपको फर्स्ट हम क्या बोले, फर्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा 1955, दूसरा देखा जाए 1966, तीसरा तुम्हारे पास 1985 में आया था, तो थर्ड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। तो देखिए फार्माकोपिया से कितना क्वेश्चन लड़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लिखा फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 2007 में, मतलब जो पांचवी तुम्हारे पास क्या इंडियन फार्माकोपिया थी 2005 में लागू की गई थी 100%, वेयर, ठीक है, वेयर एज इट अबेंडेंट वाज पब्लिशिंग, मतलब उसका जो अबेंडेंट था कब पब्लिश की गई थी इसके बारे में बताना था 1900, ठीक है, क्या दे रखा 2009 में और 2010 में या 2008 में या 2011 में, मतलब इसके पब्लिश होने के बाद एक साल बाद उसमें अबेंडेंट किया गया था, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 25 नंबर का सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए, कह रखा डैश दे रखा इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन ईयर 1996, मतलब फोर्थ एडिशन की वो बात बोल रहा है, तो ये तो भाई हो गया, देखिए एक ही याद करेंगे, और उसमें क्या कर दिया फिन यानी अमेंडेंट किया गया पब्लिश इन ईयर 2000 में, 2002 में, 2005 में, तो उस एडिशन का तुम्हें नाम बताना गया था जो 1996 मतलब 1996 में किया गया था, तो फोर्थ एडिशन, तो ए वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ही चार्ट से देखिए आपका कितना क्वेश्चन बना, तो ऐसे आपको क्या कर देना एकदम अच्छे तरीके से गेस करके ही मारना है, कि नहीं कुछ भी मार दे भन्न भन्न, ऐसा नहीं कुछ भी करना भाई, देख के ही मारना, ठीक है। फिर क्या रखा हाउ मैनी वैल्यूम आर प्रजेंट इन द इंडियन फार्माकोपिया 2007, मतलब 2007 का जो है, मतलब इसमें कह दिया फिफ्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन की बात की जाए तो फिफ्थ एडिशन में
कितने वॉल्यूम तुम्हारे थे। फिफ्थ एडिशन में देखा जाए तो टोटल टोटल तुम्हारे पास 3 वॉल्यूम थे, तो 3 वॉल्यूम कहीं दिया है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे इसके बारे में हो जाएंगे, 3 वॉल्यूम दिया है ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया का रखा, हाउ मेनी वॉल्यूम प्रेजेंट इन इंडियन फार्माकोपिया 2007, यानी 2007 में 3 वॉल्यूम थे टोटल टोटल, तो यानी हो जाएगा सही ठीक। नेक्स्ट में आते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड। अब फार्मास्यूटिकल क्या ऐड होते हैं, मतलब कोई दवा बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। फार्मास्यूटिकल के एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ वैल्यू नहीं होती है। लिखा फ्रॉम अल्फाबेट यन टू जेड आर प्रजेंट इन डैश 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 आईपी 2007, आईपी 2007 में दिया गया था, तो उसमें क्या कर देखा जाए तो यानी ये जो है यन से लेके जेड तक वॉल्यूम सेकेंड में रखी गई थी, और जो तुम्हारे पास सेकेंड में रखी गई थी ए से लेके यन वाला पोर्शन तक तुम्हारे पास किस में रखा गया था, यानी ए से यन वाला जितने भी पहले पोर्शन था वो वॉल्यूम फर्स्ट में रखी गई थी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ठीक। नहीं रुक जाओ, 3 चीज़ बताते हैं ठीक है। हाँ सही है ठीक, उसमें किया गया था ए से लेके ठीक है यन के पहले वाले पोर्शन जितने भी तुम्हारे फर्स्ट वॉल्यूम के, यन के बाद तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पास सेकेंड वॉल्यूम के अंतर्गत आते थे, तो लिखा है तुम्हारे पास फ्रॉम अल्फाबेट यन टू जेड, हम तो कंफ्यूज हो गए थे, यन टू जेड प्रेजेंट किया जाता है इंडियन फार्माकोपिया 2007 में, तो उसे वॉल्यूम सेकेंड तुम्हारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा है, लिखा 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 2010 में ठीक है, एंड कंटेन वो कितने वॉल्यूम कंटेन करते थे, मतलब 6th एडिशन जो 2010 में आया था सही है, 2010 वाला भी सही है ठीक है। अब ये तुम्हारे पास 10 में जो आया था ठीक है उसमें 4 वॉल्यूम थी या 3 वॉल्यूम थी या तुम्हारे पास 2 वॉल्यूम थी या 6 वॉल्यूम थी, तो उसमें देखा जाए तो आपका जो 6th एडिशन यानी एडिशन इंडियन फार्माकोपिया जो 2010 में पब्लिश की गई थी, तो उसमें देखा जाए तो टोटल और टोटल कितने थे, 3 वॉल्यूम थे, कितने वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम कह दिया, तो मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंडियन फार्माकोपिया 2014 मतलब 7th की बात की जाती है, इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मतलब उसमें कितने वॉल्यूम प्रेजेंट थे, 5 वॉल्यूम प्रेजेंट थे या तुम्हारे पास 6 वॉल्यूम या 7 वॉल्यूम या तुम्हारे पास 4th वॉल्यूम, तो यदि देखा जाए तो 2014 में 7 तुम्हारे पास 7वां एडिशन आया था, तो उसमें देखा जाए तो टोटल और टोटल तुम्हारे पास कितने थे, 4 वॉल्यूम थे, तो 4 वॉल्यूम इज द करेक्ट ऑप्शन यानी 4 वॉल्यूम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, लिख रखा है द ड्रग्स डैट आर नॉट इज यूज नाउडे, मतलब प्रेजेंट टाइम में उस ड्रग का यूज नहीं किया जाता है, आर यानी आर ओमिटेड फ्रॉम डैश दे रखा एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा 8th दे रखा, 7th दे रखा है, और यानी 6th दे रखा, 5th दे रखा, तो यानी 7th वाले में तुम्हारे पास क्या हो गया नाउडे, प्रेजेंट टाइम में उसमें जो ओमिटिंग थी तो उसमें यूज नहीं की गई थी, वोमिटिंग लिखा ओमिटेड दे रखा ठीक है। 32 नंबर, इन विच ईयर्स फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश, मतलब जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी पहली बार कब पब्लिश की गई थी, पहला ऑप्शन दे रखा कब पब्लिश की गई थी, यानी 1805 में, 1800 यानी कितने में 64 में, 1846 में, 1850 में, तो 1800 कितने में 40 यानी सॉरी 64 में की गई थी, सॉरी सर 64 में की गई थी ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज कंप्लाइड विद द हेल्प ऑफ डैश दे रखा ओल्ड एंड रिप्यूटेड फार्माकोपिया 6 थी, 5th थी, 3 थी या 4 थी, तो इसमें तीसरी किसके बताना था, तो उसमें देखा जाए तो टोटल टोटल 3 जो पहले थी ऑलरेडी 3 उसमें इंक्लूडेड थी, तो मतलब 3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ठीक है। चलिए इस पे आ जाते हैं, इसमें क्या लिख रखा है सेकेंड एडिशन इन ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश, अब इसे भी आप क्या करेंगे 34 नंबर का भी आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखा दिखाएं किस सन में किया गया था ठीक है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया के आपके बता दिए कि कब कब होता, तो उसे ब्रिटिश फार्माकोपिया का भी पब्लिश कब कब हुआ था ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन तुम्हारे पास दे रखा है ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा एडिशन मतलब वो पब्लिश की गई थी, नहीं इस पे है दी भाई बेवकूफ बना दिया गुरुदेव ठीक है। सेकेंड एडिशन कब पब्लिश की गई थी यानी 1830 में, 1840 में, 1846 में, 1874 में, तो कौन सा ऑप्शन सही इसके बारे में आपको बता देना है ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, डैश 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 बीपी वाज यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन इतना में, मतलब ऐसी कौन सी इसमें एडिशन को रखा जाए जो पब्लिश की गई थी 1800
1885 में, फिर अबेंडेंट किया गया था 1890 में, ठीक है। तो वो कौन सी एडिशन थी, वो देखा जाए तो थर्ड एडिशन थी। कहीं पर दिया है सातवां एडिशन, थर्ड एडिशन, टू एडिशन, फिफ्थ एडिशन, तो थर्ड यानी एडिशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। फिर कह रखा यानी 60 नंबर कह रखा है फिफ्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी जो आपकी फिफ्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिशिंग डैश 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 डेट दे रखा लिटिल डिले, मतलब उसमें कुछ दिन जो फिफ्थ फार्माकोपिया थी कुछ दिन के लिए क्या कर पब्लिश की गई थी, फिर उसे कुछ दिन के लिए क्या कर दिए डिले कर दी गई थी, कुछ समय के लिए की गई थी। तो उसमें क्या गया था, कब की गई थी, 1925 यानी 1920 में, 1941 में, 1914 में, 1950 में, तो की गई थी 1914 में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इधर टोटल और टोटल 16 क्वेश्चन और वो 10, मतलब टोटल 26 से 27 28 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, एकदम डिटेल में कवरअप कर लिया है। ऐसे धीरे 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 करते आपको क्या करेंगे, देखिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छी बात है ठीक, मगर क्या करिए टाइम निकाल के आधा घंटा एक घंटा थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग की इंड होने के पश्चात ही आपकी अक्टूबर में, मान लेते हैं आप क्या होगा जुलाई में लगवा दिए ठीक है, मान लेते हैं जुलाई में आप क्या लगा दिए जुलाई अगस्त ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सितंबर हो जाएगा, और अक्टूबर के महीने में क्या होगा आपका एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिए, अब जुलाई मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या हो गई खत्म हो गई, यदि देखा जाए तो अगस्त चल रहा, तो अगस्त और सितंबर आपके पास ये टोटल और टोटल टाइम है फॉर एग्जिट एग्जाम के लिए। तो आप ट्रेनिंग भी करिए कोई टेंशन नहीं, मगर थोड़ा 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 किसी भी चैनल का, हम नहीं कहते हैं कि देखिए देखिए वो नई टीचर की क्या है, हमारा ही चैनल, हमारे चैनल को अभी हम आप तक कभी भी नहीं बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, लोगों को लगेगा तो करेगा ठीक है, मगर ये क्या करिए थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी भी चैनल का ठीक है, किसी भी चैनल का क्या करिए आप दो महीने तक आप मान लेते 20-20 MCQ देख रहे हैं ठीक है, तो 60 हो जाएगा, तो 60 और गुड़े में 20 हो जाएगा, तो 6 × 12 मतलब देखा जाए तो टोटल और टोटल कितना हो जाएगा 120 MCQ आपका क्या हो जाएगा ठीक, ये क्या कर दिए 2 0 लगाना है, तो 1200 MCQ आपका क्या हो जाएगा एकदम ईजिली तैयार हो जाएगा ठीक। मगर जब भी देखिए तब कॉन्सेंट्रेट होकर टाइम जब रहे तब भी देखिए ठीक है, ये हो गया। और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को आप अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करना सीखिए, रिकॉल करिए आप पीछे कितना पढ़े हुए हैं ठीक है। इसमें एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए था, पहले देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए था, यानी पॉइंट वाइज कम से कम 20-25 पॉइंट थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड MCQ करवाना चाहिए था। मान लेते आप भूल चुके हैं तब भी रिकॉल आपके पास माइंड में एक बार रिकॉल हो जाता है, क्योंकि माइंड देखिए एक माइंड में जब मैप बन जाता तो उससे MCQ भरने से बन जाता। MCQ केवल कराया जाए तो बहुत सारे लोग मान लेते हैं 2-4-10 क्वेश्चंस गलत हुआ तो डिप्रेस हो जाते, यार नहीं आ रहा, भूल गए सारा, हमारा नहीं निकल पाएगा, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती। मगर कोई ना, हमारी कोशिश रहेगी थ्योरी प्लस MCQ के साथ, जिस दिन हमारे पास क्या होगा टाइम नहीं मिलेगा थ्योरी, उस दिन हम क्या करेंगे आपको MCQ जरूर से जरूर प्रोवाइड कराएंगे ठीक है। मगर ज़्यादा ज़्यादा कोशिश रहेगी थ्योरी प्लस तब MCQ, तब आपका माइंड ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर ठीक है। और दो तीन चीज़ें याद रखना ठीक है, ये सारी चीज़ करते हुए क्या कर देना एग्जिट एग्जाम दी। बहुत सारे लोग हमने पूछा ठीक है, बहुत सारे हम सेंटर पे जाके पूछे तो उन्होंने कहा कि सर अभी हम एग्जिट एग्जाम अगली बार देंगे। नहीं बेटा ठीक है, आप देखिए जितना अभी देखिए आप पढ़ के आ रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज बैठा हुआ तो एग्जिट एग्जाम देंगे आपके बगल से आँख के सामने से यदि क्वेश्चन जाएगा तो आप उसे रीड कर पाएंगे, अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। मान लेते एक साल बाद आप दें ठीक है, चलिए आपके मान लेते कोई परेशानी नहीं दे पा रहे हैं, एक साल बाद दें तो आपके पास ऐसा टाइम नहीं कि आप एक्चुअल में टाइम 4 महीना 6 महीना 5 महीना निकाल के केवल एग्जिट एग्जाम के ये पढ़े ठीक है। इसमें वही डिग्री बंदे लेते हैं जिसके पास क्या थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, घर की दिक्कतें रहती हैं और कहीं ना कहीं वो पर्सन जॉब करता है ठीक है क्या, तो ये तो अलग बात है, किसी की बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होगा, किसी ऑलरेडी मेडिकल स्टोर होगा, मगर मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होंगे बच्चे जो होंगे देखेंगे किसी न किसी मेडिकल स्टोर पर काम करते होंगे कुछ पैसे के लिए, घर की रोजी रोटी, अपनी रोजी, जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई पहले ही अटैम्प में क्वेश्चन को अटैम्प करके आप खत्म कर दिए एग्जाम के लिए। और रही बात आपको टोटल 100 क्वेश्चन, आपने इतना गैतल नहीं है कि आप 60 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे इसमें ठीक है, माइनस मार्किंग रही नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप अटैम्प करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, यदि कोई भी परेशानी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक के ठीक है, मतलब हमारे पास चैनल का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर नीचे पे नंबर दिया गया, वहाँ पर हमें किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।